रूपल शाह, जो यहाँ पे सूरत में बहुत ही ज्यादा फेमस है। हाँ बेटा, तो हम लोग आए हैं उनसे मिलने के लिए। तो अभी मैं पहले उनको मिलूंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी मेरी दूसरी वाली फ्रेंड के पास। है ना, आज मेरे साथ गुगु भी आया है सूरत मुझे रखने के लिए। ओए से मिलने आई हूँ खुशी शाह, जो बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे गुजरात में इंडस्ट्री में। तो मैं उनको मिलने के लिए आई हूँ। से बहुत ही अच्छे है गुजराती इंडस्ट्री में, उनका बहुत ही अच्छा नाम है। और मैं अभी उनके वहाँ पे रुकी हुई हूँ, तो मेरी मॉर्निंग में फ़्लाइट है अर्ली मॉर्निंग में। तो उन्होंने कहा था दीने कि मेरे घर पे ही रुकना, तो मैं आज उनके घर पे रुकी हुई हूँ। और अभी जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि मैं 24 आवर्स से सो ही नहीं हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि 2 घंटे सो जाती हूँ, उसके बाद मैं फ़्लाइट मुझे पकड़नी है मॉर्निंग की। सो मैं उठ के एयरपोर्ट जाऊँगी। एयरपोर्ट यहाँ पे बन गया है, बहुत ही बड़ा बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे सूरत एयरपोर्ट। सो मैं यूएस से स्पेशल जिसके लिए आई हूँ वहाँ पे मैं जा रही हूँ। आपको पता चल जाएगा व्लॉग में कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और आगे आगे देखिए मेरे व्लॉग में, आपको बहुत खुश मिलेगा। होटल है हमेशा मुझे जे डब्ल्यू मेरिट ज़्यादा पसंद रहती है, इसलिए मेरे पास पॉइंट्स है, क्योंकि आई हैव लॉट्स ऑफ मॉडल्स। सो उसकी वजह से हमारे पास पॉइंट है, तो मैं हमेशा ऐसे ही सारे पॉइंट्स यूज़ करती हूँ। अच्छी होटल है ये,
क्योंकि मैं हमेशा पुलमन में रुकती हूँ, तो मैं हमेशा यहाँ पे पुलमन में रुकती हूँ, हयात में रुकती हूँ। तो इस बार मैंने सोचा कि यहाँ पे जेटवेल में रुकती हूँ। यहाँ पे मैं अपने काम से आई हूँ। आज मैं अपने फ्रेंड को मिलने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एंड ही इज़ अ फेमस इन्फ्लुएंसर। तो मैं आपको भी मिलाऊंगी उनको, लेकिन सबसे पहले चलते हैं मेरे रूम में, रूम टूर करते हैं। ओके, वॉशरूम। और मुझे ना 5-स्टार होटल की आदत लगती है, सीरियसली पहले से ही है लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही। बाथटब है, इट्स नाइस, सेम लाइक बॉम्बे JW। यहाँ पे मैं दूसरी बार रुकी हुई हूँ, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो मैं ना एयरपोर्ट के पास ही रुकी हुई हूँ क्योंकि मेरी एवरीडे फ्लाइट है। मैं यहाँ पे 7 डेज के लिए आई हूँ दिल्ली में। ये मेरा रूम बुक ही रहेगा, लेकिन मैं एवरीडे फ्लाई करूँगी। मॉर्निंग में फ्लाई करूँगी, वापस आ जाऊँगी शाम को। वैसे मुझे बहुत सारे धाम करने हैं, तो मैं वहाँ पे जाने वाली हूँ। तो आपको भी ले जाऊँगी, आपको भी दर्शन कराऊँगी। सो स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग। और तब तक मैं फ्रेश हो जाती हूँ, दिन से सोई नहीं हूँ, तो मैं थोड़ी देर सो जाऊँगी। शाम को मेरे फैन को मिलना है इसलिए, और बहुत ही बड़ा ब्लॉगर है वो, बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंसर है वो, और बहुत ही अच्छा है, इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। तो मैं आप सबको मिलाऊंगी। आज मैं दिल्ली आई हूँ इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनको मिल के आती हूँ। मैंने बोला था कि मैं आपको मिलने आऊँगी, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, हम लोग मिलते हैं। तो मेरी ना हर एक जगह पर फ्रेंड्स है, हर एक जगह पर, हर एक कंट्री में, हर एक जगह पर मेरे फ्रेंड्स है। और मेरा ग्रुप इतना बड़ा है, मेरे फैन फॉलोइंग्स भी बहुत ही अच्छी है टचवुड। तो मेरे फैंस लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मैसेज। हमेशा टिप देने की बहुत आदत है, बहुत ज़्यादा। इनको तो मैंने 100 रुपीज़ दिए, लेकिन मैं हर एक को 500 रुपीज़ देती हूँ। और मैं सबको देख के आई हूँ, अभी भी ड्राइवर था उसको भी देख के आई। मम्मी ने मुझे चेंज दिए हैं क्योंकि उनको पता है कि मेरा हाथ बहुत ही ज़्यादा खुला है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करती हूँ। एक्सपेंस मीन्स डोनेशंस ज़्यादा करती हूँ। तो मेरी मम्मी को पता था, तो मैं इंडिया आने वाली थी, तो उन्होंने बैंक से सब कुछ पैसे रेडी रखे थे, वहाँ से बैंक से उन्होंने मंगवाए थे। तो उन्होंने बोला कि तुझे सबको टिप देने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो तू यही वाले पैसे यूज़ करना। तो उन्होंने मुझे चेंज दिए हैं। अदरवाइज मैं तो सबको 500 ही बांटती रहती हूँ। तो मेरी मम्मी को ऐसा लगता है कि यार तू कितने पैसे वेस्ट करती है। मैंने कहा ये वेस्ट नहीं है, मैं डोनेशंस करती हूँ मम्मी, ये सब कुछ आगे आएगा लाइफ। ये मैंने जो स्टे लिया हुआ है 8 डेज का, इट्स फकिंग एक्सपेंसिव। 1.5 लाख रुपीज़ मैंने पे किए, और देखो 50,000 इन्होंने डिपॉजिट ली है मुझसे। 50,000, लाइक 50,000 यार, सीरियसली, लाइक US के भाव हो गए यहाँ पे। इतने चार्जेस नहीं थे, बॉम्बे के JW में भी इतने चार्जेस नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या है, आजकल सबके भाव बढ़ने लगे हैं। आई तो मैंने बोला था ना कि मैं अपने फ्रेंड को मिलने वाली हूँ जो बहुत ज्यादा स्पेशल है, और इनको आप जानते होंगे। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? यार बहुत अच्छा लगा, अब मेरी वीडियोस दुबई तक भी जाएंगी, मतलब US तक। हाँ यार, मतलब हम स्कूल के दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त, बहुत पुराने। हाँ। आज हम मिले बड़े दिनों बाद। हाँ। अभी हम जा रहे हैं, खाने पीने जा रहे हैं जी, और कॉफी शॉफी पीने जा रहे हैं जी। आज नोएडा में मैं इनकी मेहमान हूँ। अभी और भाइयों से मिलने जा रहे हैं, और इन्फ्लुएंसर्स है जो जी। हाँ, मतलब मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी बहुत दिनों से, और मैं भूल गया कि ब्लॉग में क्या बात करते हैं। इस वजह से आपके ब्लॉग में भी मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं यार। नहीं नहीं, आप बहुत सही बोल रहे हो, और आप सबको इन्फ्लुएंस करते हो सीरियसली, बहुत ही अच्छी। तो शिवम ने बहुत ही मेहनत की है, और वो टॉप के इन्फ्लुएंसर हो गए हैं अभी इंडिया में। ही इज़ अ नंबर 1 इन्फ्लुएंसर, क्योंकि आप उनकी वीडियो चेक करना, हेल्पिंग हैंड्स, बहुत ही अच्छी वीडियो होते हैं उनके, और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होते हैं। तो यस, ये मेरे फ्रेंड है, बहुत काफ़ी टाइम से, बचपन से फ्रेंड है।
होटल पे आ गई, क्योंकि मुझे जेट लैग था, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, इसलिए मलिक मुझे छोड़ के गए। और वो बहुत ही अच्छे, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। और हमारे दूसरे फ्रेंड भी मिले जो बहुत ज़्यादा फेमस है, दे आर वेरी फेमस ऑन यूट्यूब, लाइक रियल हिट के नाम से फेमस है। उनके बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स होते हैं, आप जाके ज़रूर देखना। एंड बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल बटन फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, जय माता जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।